The pressure versus temperature graph and if ideal gas is shown in the figure. तो ये हमें प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ दिखाया गया है. डेंसिटी ऑफ द गैस एट पॉइंट ए इज रो नॉट. पॉइंट ए पर डेंसिटी दिखाई गई है हमें रो नॉट. तो बताया पूछा गया है हमसे कि डेंसिटी एट बी क्या होगी. ठीक, तो इनिशियल स्टेट क्या है इसकी ए, फाइनल स्टेट है बी, और पी और टी ग्राफ हमें यहाँ पर दिया गया है. पॉइंट ए पर डेंसिटी बताई गई है रो नॉट, पॉइंट बी पर डेंसिटी पूछी गई. ठीक, तो हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू 1/3 इंटू रो वी आर एम एस का स्क्वायर, यही होता है 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर. और वी आर एम एस हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 3 RT डिवाइडेड बाय एम नॉट स्क्वायर. क्लियर, तो पी प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू रो इनटू हो जाएगा टी. क्या हम लोग इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, पी इज प्रोपोर्शनल टू रो इनटू टी. रो इज डेंसिटी एंड टी इज टेम्परेचर इन केल्विन. क्लियर, ए के बारे में बात करें, अगर स्टेट ए के बारे में बात करें तो स्टेट ए पर जो प्रेशर था पी ए वो था पी नॉट. ठीक, और टेम्परेचर टी इज इक्वल टू टी नॉट. और डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी एट ए इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है रो नॉट. क्लियर, ऐसे अगर हम स्टेट बी के बारे में बात करें तो स्टेट बी के लिए हमें प्रेशर दिया हुआ है पी एट बी इज इक्वल टू 3P0. क्लियर, एंड टेम्परेचर एट बी हमें दिया हुआ है 2T0. क्लियर, एंड डेंसिटी एट स्टेट बी हमसे पूछा गया है. ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं. ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं पी बी डिवाइडेड बाय पी ए, प्रेशर एट बी डिवाइडेड बाय प्रेशर एट ए इज इक्वल टू रो बी टू टी बी डिवाइडेड बाय रो ए इंटू टी ए. क्लियर, तो रो बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, पी बी की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, ये हो जाएगा 3P0 डिवाइडेड बाय पी ए की वैल्यू पी नॉट इज इक्वल टू रो बी डिवाइडेड बाय रो ए विच इज रो नॉट इंटू टी बी डिवाइडेड बाई टी ए. तो टी बी कितना है यहाँ पर, यह है 2T0 डिवाइडेड बाई टी नॉट. क्लियर, तो रिजल्ट आ जाएगा पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, टी नॉट से टी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू रो एट बी इंटू 2. क्लियर, डिवाइडेड बाय टी नॉट रो नॉट से. क्लियर, तो रो एट बी यानी कि डेंसिटी एट बी ये हो जाएगा 3 रो नॉट डिवाइडेड बाय, तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ऑप्शन बी 3 रो नॉट डिवाइडेड बाय 2 करेक्ट ऑप्शन होगा. ठीक, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने यूज किया पी इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस का स्क्वायर.